नमस्कार YouTube चैनल एन ई न्यूर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्लॉटर और प्लेनर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लॉटर की। स्लॉटर की जो कंस्ट्रक्शन है वह वर्टिकल सेपर की तरह ही होती है और इसके कुछ कंपोनेंट इस प्रकार से होते हैं, बेस, टेबल, कॉलम, स्लॉटर रैम और टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में टूल को हेल्ड किया जाता है और कॉलम के अंदर इसका पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है और एक पीछे मोटर लगी होती है और ये एक फीड शाफ्ट होती है। अगर प्लेनर के कंपोनेंट्स की बात करें, प्लेनर में यह बेड होता है, उसके बाद यह टेबल होती है, यहाँ पर दो वर्टिकल हाउसिंग है जिसे हम कॉलम भी कह देते हैं, और यह जो सेक्शन है यह क्रॉस रेल होता है जिस पे वर्टिकल टूल पोस्ट लगे होते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर ओवर आर्म सपोर्ट होता है, और इस प्रकार से इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो स्लॉटिंग मशीन में जो टूल होता है, जो टूल पोस्ट में जिसको होल्ड करते हैं, वह वर्टिकली रेसिप्रोकेट करता है, वर्टिकली रेसिप्रोकेट करता है, जबकि प्लेनर के केस में जो टूल होता है जिसे क्रॉस रेल पर लगे वर्टिकल टूल पोस्ट में हेल्ड करते हैं, वह स्टेशनरी होता है, लेकिन उसमें कुछ इंटरमिटेंट फीड मोशन होती हैं, जैसे हम इनको अपवर्ड और डाउनवर्ड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में इनको मूव किया जा सकता है। और स्लॉटिंग मशीन के केस में एक समय में सिर्फ एक ही टूल को ऑपरेट किया जाता है, एक समय में सिर्फ एक ही टूल होगा जो स्लॉटर रैम पर लगे टूल पोस्ट में जिसको हेल्ड करते हैं, लेकिन प्लेनर में एक समय में दो या दो से अधिक टूल के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे इस डायग्राम में देखें, क्रॉस रेल पर दो वर्टिकल टूल पोस्ट लगे हैं, तो यहाँ पर दो टूल्स को हम हेल्ड कर सकते हैं एक समय में। और स्लॉटिंग मशीन में जो वर्कपीस होता है वह इस टेबल के ऊपर रखते हैं और वर्कपीस स्टेशनरी रहता है, सिर्फ उसमें टेबल फीड मोशन दी जाती है जो क्रॉस वाइज या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, लेकिन प्लेनर के केस में टेबल के जो ऊपर वर्कपीस है वह रेसिप्रोकेट करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। स्लॉटिंग मशीन एक लाइट ड्यूटी मशीन है जबकि प्लेनर एक हैवी ड्यूटी मशीन है। स्लॉटर मशीन में मटेरियल रिमूवल रेट कम होता है, प्लेनर के केस में मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होता है। स्लॉटर रैम जहां टूल को टूल पोस्ट में हेल्ड करते हैं उसे टेबल सरफेस के रिस्पेक्ट में एंगल पर टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लेनर में टूल हेड को टिल्ट नहीं कर सकते किसी भी एंगल पर। अगर कटिंग की बात करें कि दोनों में कटिंग किस प्रकार से होती है, स्लॉटिंग मशीन में जो मटेरियल की कटिंग होती है वह स्लॉटर रैम के डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान होती है। जब स्लॉटर रैम अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है वह आइडियल स्ट्रोक होता है, और आइडियल स्ट्रोक के दौरान कोई भी कटिंग नहीं होती। और प्लेनर के केस में जो कटिंग है वह जब वर्क जो टेबल है वो रेसिप्रोकेट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कह सकते हैं कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान कटिंग होती है, और टेबल का जब आइडल स्ट्रोक होता है, जब टेबल बैकवर्ड डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट करती है, तो उस दौरान प्रत्येक कट के बाद टूल को इंडेक्सिंग फीड दी जाती है। और अगर बात करें टेबल की कंस्ट्रक्शन की, जो वर्क टेबल होती है स्लॉटिंग मशीन में वह सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सर्कुलर टेबल का प्रयोग करते हैं, और टेबल के ऊपर टी स्लॉट बने होते हैं वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए। और जो प्लेनर होता है, जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टेबल का प्रयोग किया जाता है जो कास्ट आयरन से बनी होती है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड यह रेसिप्रोकेट कर सकती है, और बेड पर जो गाइड वेज बने होते हैं वहाँ पर यह रेसिप्रोकेट करती है, और जो टेबल के साइड में कुछ एडजस्टेबल स्ट्रोक भी लगे होते हैं यहाँ पर, जिनकी मदद से प्रत्येक स्ट्रोक के कंप्लीट होने के बाद टेबल की जो मोशन है उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि प्लेनर और स्लॉटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।